बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भैन भराओ तो मेरे बच्चों। मैं ना आज बेसन का हलवा बना रही हूँ। ऐल साडा गर्म हो गया वा तो मैं अद्धा किलो बेसन ये जड़ा लिया वा मैं और मैं हल्की आग ते इनू ना इहदी पनाई करांगी। अद्धा किलो बेसन इच ना अद्धा किलो ही घी पै जांदा क्योंकि घी ज्यादा लेंदा सूजी दी सूजी भी बार बार लेंदी घी। ऐ मैं हुण पहले ना डेढ़ कप पाया आहा घी का डेढ़ पा के तुसीं पहले थोड़ा पा के देखो फिर जे तुहानूं थोड़ा लगे तो फिर तुसीं दम वाली आग करके बिल्कुल मैं दम वाली आग मैं देखो ना जो कढ़ाई के नालों मैं बिल्कुल ऐम फिर लग पवे ना मैं हूँ ही भुज गई है दम वाली आग से मैं इन भुनिया वा तुम हो गए 5-7 मिनट ना इन भुन दी बेसन तो बेसन कच्चा भी नहीं रहना चाहिए ये बनाई हो जानी चाहिए अच्छी तरह ना। क्योंकि 10 मिनट तो लगते इन बनाई मैं हूँ देखो ना इन्हें किस तरह अपना घ्यो छड़ दिता रंग भी तब्दीली आ गई कच्चा नहीं बेसन रहना चाहिए मैं ये ना अद्धा किलो ये साडा बेसन सीगा मैं ये ना आइया तो थोड़ी जी ज्यादा चीनी पा ए देखो ना हूँ मैं पाइया नालों ज्यादा चीनी जड़ी बिच पा दी ये मैं ग्रैंड कर ली सी चीनी ग्रैंड करके ते मैं बिच पा दी ये ना अद्धा किलो इसको पानी पा मैं आहिस्ता आहिस्ता पावगी पानी तो बारी नहीं पावगी तो ये गुटलियां ना बन जान मैं पा के कढ़ाई साड़ी ना जदों बिल्कुल घ्यो छोड़ जाऊगा उदो साडा हलवा तैयार। हम देख लो भी अद्धा किलो बेसन सी अद्धा किलो मैं पानी पाया तो डेढ़ पा घी पाया मैं अद्धा किलो डेढ़ पा मैं चीनी पाती है मिठास भी हूँ नहीं है चीनिया की ना देखो साड़ी कढ़ाई ने छाड़ दिता हलवा हूँ साडा तैयार हो गया बादाम पा देंगे कट्टे हुए है तुसी जिन्ना भी ड्राई फ्रूट पाना चाहते हो पा लो पा सकते पा दिता मैं डोंग विच काट लवांगी रंग तुसी पाउणा होवे वे जरदे दा या ज़ाफरान दा वह पा लो ज़ाफरान पानी विच घोल के पा लो जरदे दा रंग पा लो मैं नहीं पाया ना तुसी पाउणा होवे पाओ इस तरह बेसन दा हलवा किवें देखो साडा तैयार हो गया क्योंकि कढ़ाई ने छड़ दिता कढ़ाई बना लो मैं देख लो बिल्कुल तैयार हो गया बंद कर देंगे तो हूँ मैं डोंगे आ देखो माशाल्लाह साडा कितना अच्छा हलवा तैयार होया बेसन का इस तरह हलवा बनाओ
और साड़ी चैनल ज्वाइन करो, ओके करो, वीडियो पूरी देखो। अच्छा फिर अल्लाह हाफ़िज़।